5 meter tall boy is standing at some distance from our 30 meter tall building. Okay, तो मैंने कल क्या बोला था, क्या करेंगे पहले? पहले ग्राउंड बना देंगे, ठीक है? ये भी आपको ग्राउंड हो गया, और वो आपसे कह रहा है कि दो चीजें हैं, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि दो चीजें हैं, एक तो गर्ल और एक बिल्डिंग, कि टावर बिल्डिंग, ठीक है? तो उसने आपसे ये कहा क्वेश्चन में, फिर लड़की है ना, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है? और जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, कुछ ऐसे, ठीक है? सुना रहे? तो सपोज करो कि ये लड़की हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया आपकी बिल्डिंग हो गई, कुछ ऐसे, ठीक है ना? तो उसने आपसे ये कहा है कि जो लड़की है ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है, और हाइट कितनी इसकी? इसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो गर्ल है। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मारा आगे पढ़ते हैं, एज ही वॉक्स, अच्छा लड़की है लड़का, अच्छा बॉय है ये, ये बॉय है, हाँ ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसकी वो ना अपने यहां से मतलब आंख से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और ऐसा करने पे ना उसका एंगल जो है 30 से कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, ठीक है, लेकिन 60 से 60 कब होगा? जब वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना वो आगे बढ़ेगा ना, जितना वो किसी ऊंची चीज के पास जाएगा उतना एंगल इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है? अभी यहाँ पर है तो यहां से यहां देख रहा हो, तो अभी हम कितना मानते हैं इसको, ये कितना होगा आपका 30 होगा, लेकिन 30 ऐसा बनेगा नहीं ना, क्या बनाना पड़ेगा? लाइन ऑफ हॉरिजॉन। तो मैंने कल क्या बोला था कि लाइन ऑफ हॉरिजॉन मतलब, हाँ मतलब जहां से एंगल बनता है, तो ये इसकी आंख हो गई सपोज, है ना, तो आंख से देख रहा था, तो ये हमें क्या बनाना पड़ेगा? लाइन ऑफ हॉरिजॉन ये, और लाइन ऑफ हॉरिजॉन क्या होगा? ग्राउंड के पैरेलल हुआ, ठीक है ना? लाइन ऑफ हॉरिजॉन जो है ग्राउंड क्या होगा? होगा पैरेलल। अभी कितना है? 30। अब उसने बोला है कि जो लड़का है ना ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, अब कितना होगा फिर एंगल? 60, मतलब यहाँ पर आया 45, यहाँ पर 60, ऐसे कुछ कैसे करते, यहाँ पर माना कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो अब वो यहां से यहां देख रहा है, अब ये जो है यहां से यहां देख रहा है, तो अब इसका एंगल कितना हो गया? 60 हो गया, कुछ ऐसे, ठीक। क्या निकाला हमको? वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है बेटे? आपसे कह रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, बिल्डिंग की तरफ कितना, ये निकालना है। देखो बच्चे कहते हैं कि वो बिल्डिंग की तरफ चलता चला गया, बिल्डिंग तक पहुंच गया, हमें उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? एंगल 30 से 60 हुआ, बस हमें इतना निकालना है कि 30 से 60 होने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया, बस समझ लिया, ठीक है? वो पूरा चले जाएगा, उसमें मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है सिर्फ, जब उसका एंगल 30 था और 30 से 60 होते होते वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया, ठीक है? तो फिर इसको मार्क दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, हमें क्या निकालना पता है? वो कितना चल गया, ये निकालना है। तो इसे मान लेते हैं x, तो ये भी कितना होगा? x, ये भी x होगा। इसे मान लेते हैं y, तो ये भी कितना होगा? y, ये भी y होगा। और मैंने कल क्या बोला था कि क्वेश्चन में डायग्राम बहुत जरूरी है ना, डायग्राम बनने के बाद आराम से हो जाएगा। अच्छा देखो बेटे, अब इसमें एक चीज सीखनी है, देखो
अब यहाँ पर हमने इसमें एक क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया ना, कल वाले क्वेश्चनों में तो सिर्फ एक ही एंगल था और अभी कितना एंगल आ रहा है, अभी आपके पास जो है दो एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान रखना कि हमें सिर्फ मतलब होगा लाइन ऑफ हॉरिजॉन से, लाइन ऑफ हॉरिजॉन से जो कहां पर है एफ और बी, ठीक है। लाइन ऑफ हॉरिजॉन क्या होता है, जहां से एंगल बनता है, हालांकि ये भी ये वाला पार्ट भी आएगा डायग्राम में, लेकिन ये वाला पार्ट ना किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमारे क्या जरूरी है कि जिस लाइन पे एंगल बने उतना बस, अगर मैं इसको बनाऊं तो हमारे लिए काम का कौन सा पार्ट है, काम का पार्ट वो ये है, देखो हमारे लिए काम का पार्ट सिर्फ ये है, कौन सा, ए बी जी और एफ, बस हमारे लिए काम का पार्ट सिर्फ ये है। जबकि ये चीजें कैसे याद की हैं, ये एक फॉर्मेलिटी बेस्ड लगा लो, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। बस इतना काम है, मतलब देखो मैं पहले भी बताऊंगा आपको, हमारे लिए सिर्फ ये वाला पार्ट जरूरी है क्योंकि यहां बन रहा आपका एंगल, अब जब यहां पर आपका एंगल बन ही नहीं रहा तो ये वाला पार्ट हमारे जरूरी भी नहीं होगा, और ये वाला एंगल, ठीक है, इतना। और ये तो एक्स है ही और ये आपका वाई होगा ही, हमें फिर इस हाइट से मतलब, अच्छा देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा है 30, ये पूरा 30 मीटर, ठीक है, ये पूरा 30 मीटर हो गया। और यहां पे हमें सिर्फ किससे मतलब है, हाइट से, ए बी से मतलब, किससे मतलब है, ए बी से। मैंने क्या बोला था कि ये वाला पार्ट एक फॉर्मेलिटी बेस्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है तो मैं इस हाइट से मतलब हुआ, तो ये हाइट मतलब ए बी, हाइट मतलब ए बी, और जो 30 मीटर है कहां से कहां तक है, वो यहां से लेकर पूरा यहां तक है, वो पूरा ए सी है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है, ए बी से मतलब होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये 1.5 तो ये भी कितना होगा, मतलब इसके पैरेलल 1.5 होगा और 90 तो बन ही रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। तो इस पूरे में से, इस 30 में से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, है ना, देखो मान लेते हैं, लेट ए डी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एक्स मीटर एंड डी सी इक्वल टू जी बी इक्वल टू वाई मीटर। देखो ध्यान दे बेटा, वो कह रहा है कि एक्स निकालो, वो कह रहा है कि कितना चल गया, वो 30 से 60 होते होते, हमें वाई से मतलब नहीं है, वाई से मतलब नहीं है, हमको वाई निकालना नहीं है, लेकिन वाई के बिना ना, मतलब इस डिस्टेंस के बिना हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें दो एंगल है, 60 के लिए और 30 के लिए दो एंगल है, तो दो एंगल होने की वजह से क्या होगा, हमको दो ट्रायंगल लेने ही पड़ेंगे, समझ रहे ना, दो एंगल होने की वजह से हमको दो ट्रायंगल लेने ही पड़ेंगे, तो वाई मानना पड़ेगा, वाई के बिना काम नहीं होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आप उसको समझाओगे अपना, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया आपका, हमें ए बी से मतलब है, जहां पर आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन है और जहां पर आपका एंगल बन रहा है उसे मतलब होगा, ठीक है। तो ए बी निकाल देते हैं, कितना होगा बेटे, 30 - 1.5 कितना, 28.5, ठीक है, 28.5 मीटर। तो हमारी ये है कितनी आ गई, ये हाइट आ गई हमारी 28.5 मीटर, हमें सिर्फ इसी हाइट से मतलब हो, बाकी तो फॉर्मेलिटी बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ओके। देखिए यहां पर आपके दो एंगल, हमको दो ट्रायंगल से मतलब, दो एंगल दो ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें निकालना एक्स है, वैसे डायग्राम ये बनेगा लेकिन सॉल्व इससे करेंगे हम, ठीक है, रफ में इसको रफ में ले लेना, बनाने के बनाकर 28.5, ठीक है। देखो बेटे हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, तो यहाँ पर दो एंगल, ठीक है, तो पहले किसमें ले रहे हो, 60 वाले ले रहे हो, तो 60 वाले के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा, ये 90 है तुम्हारे यहाँ पर, AGB, कौन सा, AGB, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल AGB, ट्रायंगल AGB में, तो ट्रायंगल AGB आपका ये रहा, ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, हमको वाई मिल जाएगा, यहां से जो वाई मिलेगा ना, हम उसका यूज किसके करेंगे, जब किस पे लेंगे, जब लेंगे बड़े ट्रायंगल में जिसमें 30 बन रहा है, क्या बन रहा है, जिसमें 30 बन रहा है, हाँ तो बताओ 10 हो गया होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 10 ही तो होगा, कितना, 10 60, ठीक है, कितना, पी अपॉन बी रूट 3, इसकी वैल्यू
रूट थ्री और पी कितना है 28.5 और बी कितना है वाई, तो क्रॉस कर दो वाई निकाल दो यहाँ से, ठीक है हाँ इतना आ गया, इतना मीटर आ गया, हमने वाई निकाल दिया। ठीक है अब देखो मैंने आपसे कहा था कि हमको वैसे एक्स निकालना है बट बिना वाई के नहीं मान नहीं निकलेगा आपका एक्स, वाई मानना ही पड़ेगा आपको, क्यों मानना पड़ेगा अभी देखते हैं। चलिए 60 ले लिया, अब क्या बचता है 30 बचता है, तो 30 के लिए कौन सा ट्रायंगल ए बी एफ बी पूरा आएगा क्योंकि पूरा 90 बनना चाहिए, 90 है बनना तुम्हारा, ठीक है ये 90 नहीं है, बहुत से बच्चे ये ले लेंगे, देखो ट्रायंगल बच्चे ये ले लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ जी, कुछ ऐसा करते हैं ये गलत है, ट्रायंगल तो बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं हमको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, तो इसलिए ये ना करके कुछ ऐसा कर दो इसमें, ये पूरा 30 भी आ गया, 90 की फॉर्मेलिटी पूरी होगी, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा तुम्हारा इसमें, तो इन ट्रायंगल ए एफ बी, ए एफ बी ठीक है, तो उसका यूज करेंगे हम, तो सेम वही क्या पी अपॉन ये 28.5 और ये पूरा बेस, तो इतना हिस्सा एक्स हो गया, इतना हिस्सा वाई, तो पूरा बेस ले लेंगे है ना, तो कितना 10 30 कितना पी अपॉन बी, 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, और पी कितना है 28.5 और बी कितना है बी बेस माने पूरा, ये पूरा आएगा समय पूरा, हम पूरा जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 वाई की जगह। अब हाँ अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपसे अभी बोला था ना कि y को निकालना है, हमको सिर्फ x से मतलब है, x निकालना है लेकिन y को माना हमने, इसलिए माना ताकि मैं y की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकूँ, चेक करो अब लगाओ जरा, अगर मैं y नहीं मानता तो मुझे मिलता x, ये पॉसिबल नहीं था है ना, तो इसलिए y माना ताकि मैं y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकूँ, ठीक है अब देखिए तो x तो ऐसी रहेगा और y का निकाला आपने 28.5√3, तो y की जगह पर इसे रखो 28.5/√3 ठीक है, तो 28.5√3 इतना हो गया, तो x इक्वल टू कितना हमें x निकालना है, तो जो निकालना है उसको अकेला छोड़ना, सिंपल सिंगल छोड़ना, तो यहाँ पर ये प्लस कर रहा है, यहाँ करतेगा माइनस कुछ ऐसे, ठीक है हाँ। अब यहाँ पर लेंगे इसका हम एलसीएम, ठीक है ये तो पूरा हो गया आपका, यानी कि इसका हम एलसीएम, तो कितना एलसीएम आएगा इसका √3 यहाँ पर वन मान लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका √3 ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ 28.5 √3, देखो ये √3 है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन यहाँ वन है तो इस वजह से क्या होगा आपका √3 का आएगा, √3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, ये सबको पता होना चाहिए 28.5 वो तो सेम रहेगा हम, ठीक तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 3 5 15 3 8 24 और 15 3 2 6 और 2 8 तो 85.5 और ये माइनस 28.5/√3 तो x इक्वल टू कितना माइनस कर दो 0.57 और ये √3 यानी कि 0 के बाद पॉइंट छोड़ दो उसे फिर है ना, अच्छा लेकिन रूट में छोड़ते नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ करेंगे हम रेशनलाइज, ठीक है जैसे मैंने आपसे कल बोला था कि डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करना सेम है खाली बन गया डायग्राम, ठीक है चाहे कितना भी डायग्राम अटपटा क्यों ना बने करने का तरीका वो सेम ही होगा क्वेश्चन होगा, ठीक है और आपने ध्यान देना है कि जहाँ पर दो एंगल होंगे वहाँ पर आपको जो है दो ट्रायंगल लेने ही पड़ेंगे, ठीक है अच्छा कितना होगा 57√3/3 तो आई थिंक कट रहा है 19 से कट रहा है, तो x कितना आ गया आपका 19√3 मीटर। अब स्टेटमेंट क्या आएगा क्वेश्चन में क्या था, उसने से ये कहा था कि उसका एंगल 30 था इस जगह पे और जब वो बिल्डिंग की तरफ चला तो एंगल 60 हो गया, तो इससे हमें दो चीज मिली, एक तो ये मिली कि जितना वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा, वो तो हो गई, ये आपका हिंट भी है
कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट बिल्डिंग के सामने होगा या किसी ऊंची चीज के सामने होगा उसका एंगल उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि 30 से 60 होने पर वो कितना डिस्टेंस चला, हमने डिस्टेंस एक्स मान ली थी तो कितना चला वो 19√3, ठीक है। सो ही वॉक्ड मतलब ये लड़का हाँ जो बॉय है ही वॉक्ड 19√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल गया उसका एंगल 30 से 60 होने तक, इतना नोट करो। नंबर 7 देखो यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान रखना, मैं आपसे कल कुछ बेसिक बातें बताई थी इसके ऊपर, वो क्या थी, दो चीजें जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी दिया, वो चीज क्या कौन कौन सी बता जरा, कौन कौन सी, एक तो क्वेश्चन को बिना पढ़े अच्छा हाँ क्वेश्चन को बिना पढ़े एक ग्राउंड बना दो, कैसे बनेगा, प्लेन ही बनेगा, अब चाहे वो पोल बोले या कुछ बोले, है ना। दूसरी बात, अब डायग्राम कैसे बनाना है, हाँ बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है तरीके से, फिर उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के वहां ड्रॉ करते रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। तो नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है आपका कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर तीन चीजें मिल गई हमको, क्या मिलती थी, एक तो पॉइंट है ग्राउंड में, ग्राउंड में एक पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, और एक टावर है और एक बिल्डिंग है, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आ जी, बिल्डिंग के ऊपर है टावर, हाँ लेकिन जो भी है, लेकिन अभी क्या समझ आया कि एक बिल्डिंग एक टावर है और एक जमीन में एक पॉइंट है, तो एक काम करते हैं हम जमीन का पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, है ना, ये रहा पॉइंट वो। और वो कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर है, तो वो डायग्राम बनना बहुत जरूरी है इसमें, तो क्वेश्चन तमीज से पढ़ो, ठीक है। तो ये क्या है हमारी एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, सपोज डेट कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, मतलब ये हमारी है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, थोड़ा सा आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ओके, कुछ ऐसा मतलब, ऊपर देखो ये रहा। अब इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर, जैसे होता है ना आइडिया का टावर जैसे, या जियो का टावर जैसे, कुछ इस प्रकार से ज्यादा बड़ा बन जाए, चलो कोई नहीं, जैसे आइडिया का टावर, बेसलाइन का टावर वगैरह वगैरह, है ना, कुछ ऐसे ये टावर है। और जमीन के इस पॉइंट से उसने क्या बोला, कहाँ देख रहा है वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के पॉइंट से ये चीज, है ना, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना, पता है ना, ऊपर देखना, ऊपर देखने पे द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो देखो पहले कहाँ देखा, पहले देख रहा बॉटम को, उसने बॉटम का जिक्र पहले करा हुआ है, तो पहले देख रहा है बॉटम को, और फिर वो इसी पॉइंट से कहाँ देख रहा है, टावर टॉप को देख रहा है, कुछ इस प्रकार से, तो वो इसी पॉइंट से देख रहा है टावर के टॉप को, इसी सेम पॉइंट से देख रहा है, ठीक है। अब से ये फिर अब कह रहा है कि कितना बन रहा है एंगल, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखिए यहाँ पर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो नीचे वाला 45, इसका मतलब क्या है, उसने पहले किसका नाम लिया, बॉटम का ना, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम सा, बॉटम का नाम लिया और फिर टॉप का नाम लिया, तो बॉटम में 45, तो बॉटम में कितना होगा 45 होगा, ध्यान दो उसी से, इसका मतलब क्या पता है, क्रम से, मतलब कि जैसे सीक्वेंस मिला है वैसे करोगे, बॉटम के लिए 45 हो रहा है और टॉप के लिए कितना हो रहा है 60 हो रहा है, कुछ ऐसा। तो बॉटम यहां से यहां देख रहे हैं बॉटम, तो ये कितना होगा आपका 45, ये 45 होगा आपका, ये वाला ये देखो एंगल, ठीक है, और यहां से कहां देख रहा है वो टॉप को देख रहा है, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, है ना, कुछ ऐसा होगा। तुम्हें निकालना क्या है इस पे, वो कह रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको निकालनी टावर की हाइट, देखो बोले ये रहा, हमको निकालनी है टावर की हाइट कुछ ये, तो ये काम करते हैं हम टावर की हाइट को मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है, हमको टावर की हाइट निकाल लिया, हमने जो है टावर की हाइट को क्या मान लिया बेटा एक्स मान लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि डायग्राम बनना बहुत जरूरी है, अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें दो एंगल है, तो नॉर्मल सी बात है दो एंगल है, तो हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, है ना, तो दो ट्राइंगल
तो 90 ये रहा, ये भी आपको 90 ही होगा, कुछ इस प्रकार से ना, मतलब सही प्रकार से बनाना उसको। अच्छा अब सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, है ना। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज क्या होती है, तीन साइड होती है उसमें, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए तीन में से हमें दो की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास ही परपेंडिकुलर है बस, क्या है जैसा भी है, ये 20 है, ये x है, हम पे सिर्फ क्या है, हमारे पास ही परपेंडिकुलर है अभी तक, तो नॉर्मल सी बात है, ये कुछ है नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं इसको, मतलब ये जो है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये सिर्फ एंगल, ये जो सिर्फ जो है ट्रायंगल पूरा कर रहा है बस, कोई काम नहीं है इसका। जबकि अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में क्या होगा, इस पॉइंट का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस तो होगी, होगी नहीं होगी। जैसे मैं, जैसे आप लोग बोर्ड देख रहे हो समय ना, तो बोर्ड आप ये देखो कोई लाइन बन रही है आपकी नहीं, ये तो जब सिर्फ एक एंगल दिखाने का तरीका है, ये कुछ नहीं है आपका, ये रियल नहीं है आपका, ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल आपका ये है, ये। तो अब हमें दो चीज चाहिए, तीन में से दो साइड चाहिए होती है, एक तो पता है ये है ना, तो इसे मान लेते हैं वाई, इसे मानना ही पड़ेगा आपको, इसे 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 मत मान लेना, ठीक है। तो ए बी, ये पॉइंट सी और ये डी, ठीक है, सी ए बी में लो, हाँ, किस y. हाँ देखो, तो वाई निकालना जरूरी है, एक मान लेते हैं, y equal to 20. लेट डीसी, डीसी कितना है, एक्स मीटर, ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। अच्छा और कितना, ए बी, ए बी कितना, वाई मीटर, हमने ए बी जो है वाई मान लिया, बात समझ आ गई, ठीक बड़े। अब यहाँ पर हाइट ऑफ टावर 20 प्लस है, हाइट ऑफ टावर कितना है, 20 टावर की हाइट तो भी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20, बिल्डिंग कितना, और क्या निकालना है हमको, निकालना टावर की हाइट, यानी कि हमें एक्स निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, हमें वाई नहीं निकालना, लेकिन वाई के बिना एक्स नहीं आएगा। चलिए अब फिर से वही दो एंगल हैं, एक एंगल 45, एक एंगल 60, तो दोनों लेने पड़ेंगे, तो किस में ले पहले, 45 में या 60, दोनों में से किसी में भी ले लो पहले, कोई ऑप्शन नहीं है कि वही ले रहा है पहले, आप किसी में ले लो, ठीक है ना। तो मैं लूंगा 45 में, 45 पहले, इन ट्रायंगल देखो, 45 का देखो, आज ये भी 45 का यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो जा रहा है, तो यानी कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, आप चाहो तो अलग से बना सकते हो उसे, ठीक है, ए सी बी कुछ ऐसे, 90 हो ही रहा है तुम्हारा यहाँ पर, ये तुम्हारा कितना है 45 है, ये वाई है, ये कितना है 20, ठीक है ना। तो कितना 10 ही होगा बेटा, पी और बी 10 ही होगा, 10 45, 20 हो, 10 45 इक्वल टू पी अपॉन बी, वैल्यू 1 है ना, और पी कितना है 20, और वाई, और बी कितना है, बेस कितना, मतलब बेस आपका वाई हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो वाई कोटी कितना आ गया 20, यानी कि बेस भी कितना आ गया 20। अब देखो मैं वाई का यूज जब मैं लूंगा 60 के लिए, मतलब पूरा ट्रायंगल, देखो 60 का देखो अर्क, 60 का अर्क जो है यहां से लेकर यहां तक है पूरा, यानी कि हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा कुछ ऐसे में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बोलो ए डी बी पूरा, अब ट्रायंगल पूरा आ जाएगा, ठीक है, ए डी बी के लिए, और एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये एंगल साफ हो गया आपका, और ये हिस्सा सी हो गया, ये एक्स हो गया, ओके समझ आएगा ना, हो गया भाई, ये पूरा परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस है ना, तो 10 60 डिग्री कितना, पी अप॑ बी √3, वैल्यू √3। देखो बट अगर ये याद नहीं है ना तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे डायग्राम बना लो है ना, लेकिन अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो सॉल्व छोड़ देना वहां पर, ठीक है, उसके बाद वो इन सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा पी कितना है, एक्स 20 प्लस एक्स, पी परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर पूरा ये रहा आपका, तो इतना हिस्सा एक्स, इतना हिस्सा 20, हमें पूरा चाहिए ना, क्योंकि हमने पूरा ट्रायंगल लिया है, पूरा काउंट करा हुआ है, तो एक्स प्लस 20, तो पी कितना हो गया एक्स प्लस 20, और बेस कितना है वाई, 20, बेस कितना वाई, क्रॉस कर दो, तो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, वाई √3 इतना गया है ना, और वाई कितना निकाला 20। अब ये देखो कि अगर हम वाई नहीं मानते, क्या नहीं मानते, वाई,
तो हमें यहाँ पर क्या करते फिर कुछ करना है ना, इसलिए मैं कहता हूँ उसे मान लेना क्योंकि तीन में से दो साइड चाहिए होती है। तो वाई कितना होगा आपका 20, तो यानी कि 20 रूट 3 एक्स प्लस 20 हमें तो एक्स निकालना है, हैं? तो यहाँ पे तो मैंने क्या बोला कि जो निकालना है उसको सिंगल रखना, इसको इधर भेज दो। तो 20 रूट 3 यहाँ कर रहा है प्लस, यहाँ करेगा माइनस, इक्वल टू कॉमन लोगे 20, ठीक है। हाँ अब यानी कि यहाँ से हम 20 का ले लेंगे कॉमन, तो 20 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो इतना भी छोड़ सकते हो, मैं आगे पीछे को इतना ही मिल जाता है। तो 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है 20 माइनस, ठीक है, तो 20 रूट 3 माइनस 1 द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में क्या है पढ़ो से जरा। स्टैच्यू मतलब मूर्ति है ना, और स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ओके। तो क्वेश्चन बिना पढ़े क्या बना दो पहले, तो बेस, ये बन गया बेस, ग्राउंड प्लेन ही बनेगा है। और पता है किसे बोलते हैं पेडेस्टल, मूर्ति रखी रहती है जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी करते हैं भाई, चाहे वो कैसे हो सकता है ना, सिलेंडर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या माना, ये है पेडेस्टल, और उसने आपसे कहा है कि 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और ये स्टैचू क्या है इसके ऊपर खड़ा है, तो मैं किसका बनाऊंगा स्टैचू यहाँ पर, मेरा। अच्छा तो ये है स्टैचू दिया का, आंखें गा गई है ना, सुनो लो आंखें बना दी है ना, ठीक है दिया। हाँ और सुनो, तो ये है पेडेस्टल है ना, और इसके ऊपर क्या हमारा एक स्टैच्यू इस प्रकार से। हाँ और इस स्टैच्यू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, कुछ कितनी हाइट है इसकी, सिर्फ स्टैच्यू हाँ पुरानी। अच्छा और आपसे बोल रही है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से देखो ग्राउंड में एक पॉइंट है, क्या ग्राउंड में एक पॉइंट है कुछ ये रहा, मान लो पॉइंट सी, ठीक है पिछले क्वेश्चन की, सुनो सुनो, हाँ ग्राउंड में पॉइंट हो गया, और वो आपसे ये कह रहा है कि From a point on the ground, the angle of elevation, मतलब नीचे से ऊपर ऊपर देख रहे हैं, है ना? The angle of elevation of the top of the statue, मतलब कि यहाँ से देखना है statue के top को, यहाँ से देख रहे हैं statue के top को, कुछ इस प्रकार से, ये बात समझ आ रही? यहाँ से देखा उन्होंने statue के top को, तो कितना बना एंगल 60 डिग्री, ये कितना होगा आपका पूरा 60, ये पूरा 60 डिग्री इतना कुछ है ना। फिर आगे बोल रहा है आपसे कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, अब बेटे इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप, ये रहा का पेडेस्टल, इसका टॉप कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है 45 डिग्री है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ। तो आपसे कह रहा है कि इफ द फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें निकालनी है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट क्या मान ले सपोज करो एक्स मान लेते हैं, ठीक है इसकी हाइट हम एक्स मान लेते हैं, और ए सी बी ए और ये डी, ठीक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, शुरू करें। अब सुनो मैं आपसे इससे पहले क्या बोला था, मैंने दो पार्ट, मैंने ये बोला था कि इसमें तीन साइड्स में थे, हमको जो है दो साइड चाहिए होती है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा देखो वो तो ऐसे बना दिया, मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा बनेगा, मतलब देख रहे हैं, तो डी ए बी और ये सी 60 और 45 आपको दिख रहा है, तो मैं हमें जो है कुछ ऐसा बनेगा करेगा, मतलब 90 बनेगा पूरा, बस बनाए क्या बन रहा मैं, तो ये आपका जो मैंने देखी मूर्ति लगा रखी है ये पूरी सीधी होगी,
ठीक है, इसे बता दूं। हाँ ठीक है, तो ये मूर्ति बिठाकर हम इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, मतलब ये है मूर्ति आपकी, स्टैच्यू, ठीक है ना। अब हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, बेटा। और फिर से वो बात आ गई ना कि हमको सिर्फ क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या पता है हमको सिर्फ, हमको सिर्फ पता है परपेंडिकुलर, और ये कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल वाला सीन है ये सिर्फ ट्राइंगल पूरा कर रहा है बस, कोई काम नहीं उसका, जबकि ये रियल है, मतलब इस पॉइंट की इस पेडस्टल से दूरी होगी कुछ ना कुछ, उसे मान लेते हैं वाई, माने पड़ेगा आपको, क्योंकि तीन में से दो का पता होना बहुत जरूरी है ना। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर मान लेते हैं, अगर माना हमने यहाँ पर, लेट ए बी क्या मान लिया, ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, और बी सी का मान लिया, बी सी इक्वल टू वाई मीटर, कुछ ऐसा है बेटे। अच्छा अब डी ए कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है, डी ए कितना है, डी ए आपका है 1.6 मीटर, ठीक है ना। अब दो एंगल, मैंने दो ट्रायंगल, पहले किस में लेना चाह रहे हो, 60, पहले किस में ले सकते हो, 60-45 में से किसी में भी, लेकिन पहले 60 बोला तो 60 ले लो, ठीक है, तो ठीक है फिर 60 लेके आओ ट्रायंगल, बताओ 60 का आप देखो, ये पूरा आर्क है, यानी कि पूरा ट्रायंगल होगा कुछ ऐसे में, ठीक है, ए बी सी, सी डी बी, पूरा ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी बी, तो इसको अगर आप बना सकते हो, ठीक है, ये हमें पूरा ले लिया, कितना एंगल 60 डिग्री। अच्छा ये पूरा वाई है ना, और ये कितना होगा पूरा 1.6 प्लस, ये बीच में पॉइंट ए भी आ गया, तो इतना कितना है, इतना 1.6 है, और इतना कितना माना x, हमको यही x निकालना है, जो हाइट किसकी है, पेडस्टल की है, ओके, शुरू करें इसको, तो आई थिंक 10 ही होगा, तो p और b 10, पता है ना क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर और बेस, सिंपल सा, ठीक है, तो 1060 डिग्री इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है, तो 1060 कितना है, रूट 1060 है √3, और p कितना है, देखो p कितना पूरा, ये पूरा p आपका, यानी कि इतना प्लस इतना, ठीक है, तो 1.6 प्लस x अपॉन y, ऐसे y कर देते क्रॉस, ठीक है, कितना छोड़ दो, 1.6 प्लस x √3 अपॉन में डाल मीटर है, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे इसे बताओ, देखो हमको y नहीं पता, तो पहले y निकालना पड़ेगा, तो √3 अपॉन में डाल, नहीं वो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमको y नहीं पता, तो पहले y निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, दूसरा एंगल है, फिर 45 वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर है, नहीं पता, तो x ले लेंगे ना, फिर क्या आ रही, y आपको x में आ जाएगा, y इक्वल टू x, तो फिर उसे फिर y पुट कर देंगे, तो पहले इसको दो सॉल्व, एक ही बात है, नहीं इतना सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो वो y √3 हो, तो उसकी वैल्यू, देखो अगर आपने √3 नीचे भेज दिया तब भी ठीक है, अगर नहीं भेजा तब भी ठीक है, उसमें सॉल्व बुरा होना है, तरीका आपका अपना होना चाहिए, है ना, तो ठीक हो ना, तो अपने इसको फिर, तो y अगर मैं y नहीं मानता तो मैं कुछ नहीं मिलता इनसे, तो वो y निकालेंगे, तो y के लिए कौन सा वाला है 45 साहब, देखो देखो ठीक है ना, ये यानी ये ट्रायंगल, इसका अर्थ यहाँ से खत्म, यहाँ शुरू कुछ ऐसे में, तो ये ट्रायंगल आपका, ठीक है, तो हाँ बताओ जरा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ओके, तो कितना होगा 10 45 पी अपॉन बी वैल्यू 1, ठीक है, तो क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये रहा, ठीक है, x और ये y, तो y कितना आ गया आपका x मीटर। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में जो y है, हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, x, ठीक है ना, देखो पुट y इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखो एक बार पहले, यहाँ पर 1.6 प्लस का x, अब y की जगह पे डाल दो x को, है ना, तो x √3 इक्वल टू 1.6 प्लस का x, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैंने ऐसे क्या बोला था कि जिसको निकालना है उसको सिंगल रखना, हमें x निकालना, भाई x क्या दिखा रहा है, हाइट ऑफ पेडस्टल, तो उसको यहाँ भेज दो, x को यहाँ भेज दो, है ना,
तो x रूट थ्री माइनस एक्स, ये x यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ करेगा माइनस, और यहाँ पर 1.6 कॉमन ले लो। अब x कॉमन ले लो कितना आएगा, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6, जहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ वो डिवाइड कर डालेगा, तो 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। रूट रूट चाहे सिंपल हो चाहे वो प्लस माइनस में हो, नीचे आंसर रूट में आएगा ही, तो क्या करेंगे, करेंगे रेशनलाइज, मतलब 1.6 ये तो खैर ऐसे ही आएगा है ना, मतलब रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन ऊपर नीचे इससे हो जाएगा, आपके क्लास नाइन्थ में पढ़ा उसे, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन और अपॉन देखो रूट थ्री का ही होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है होल स्क्वायर होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, कुछ ऐसे तो होगा, अरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे रहेगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन और यहाँ पर थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा और ये वन, तो x इक्वल टू कितना 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, ठीक है 0.8। अब ये कर दिया 0.8, तो x कितना आ गया 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। तो जो हाइट है इसकी हाइट है, हाँ तो मैं इसको क्या लिख लूँ, यानी तुम सो द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाँ सो द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर, फिर ये फुट है ना। नौ वाला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ओके तो देखिए इसको जरा। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि बिना पढ़े ग्राउंड बना दो भाई, ये बन गया ग्राउंड हमारा, यहाँ खेलो चाहे लूटो कुछ भी करो, ठीक है। अच्छा आइए बोल रहा आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ओके तो इज 30 डिग्री, तो इतना पढ़ के समझ में आ गया, एक बार उसे पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन को और फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस, इतना पढ़ के ये समझ में आया कि दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है, एक क्या है बिल्डिंग और एक क्या है टावर, कुछ ऐसा मन में किया करो, ठीक है। मैं तो बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन मन में ऐसा किया करो कि दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग और एक टावर, ठीक है। उसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर क्या होगा बिल्डिंग से बड़ा ही होगा है ना, सब ये बिल्डिंग हो गई और ये आपका टावर हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन तो रहा है, वह किसके लिए बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से याद रखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां देखने को मिल बन रहा है कि यहां पर से यहां देखने को बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है कहां से, टावर के फुट, टावर के फुट से, ये मतलब इसका टावर आपका ये रहा, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो ये रहा बात समझ आ रही है। और कितना है एंगल उसका 30 डिग्री, तो ये रहा भाई एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये ऊपर देखा जा रहा है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है ना। फिर आपसे ये बेटे आगे बोल रहे क्वेश्चन में, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब वो जो है टावर के टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है बिल्डिंग के फुट से, यहां से ये बिल्डिंग है आपकी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, कुछ ऐसे, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है 50 फीट, तो इससे बेस मिल जाएगा उसको उसमें रख देंगे, बिल्कुल टावर जो है 50 मीटर हाई है, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी, एक काम करते हैं बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और फिर से वही मैंने क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल, हमको तीन में से दो साइड का पता होना चाहिए है ना, तो मैं इसको बेस मानना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि ये कुछ नहीं है, ये जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक मत मानना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रायंगल पूरा कर रहा है, ये आपका वर्चुअल है, हम इसको सिर्फ सोच रहे हैं, हम इसको सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि आप बोर्ड देख रहे हो तो लाइन कौन सी बन रही होगी, वो सिर्फ इमेजिनेशन है, जबकि बोर्ड और आपकी डिस्टेंस जो है बीच में
ये रियल है, तुमने वही मानना है, क्या मानेंगे इसको? वाई, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है? तो ए बी सी और ये डी, हमें ये निकालना है। तो जो माना है पहले देखो, लेट ए बी कितना एक्स मीटर, ओके, और डी सी कितना 50 मीटर। अच्छा ये तो लेट नहीं है ना, चलो छोड़ो से यहाँ निकालते हैं। एंड बी सी कितना हो गया वन मीटर, ये लेट में आ गया पूरा, ठीक है? अब फिर से वही कि देखो डायग्राम बन गया, अब आपको अपना भी आ जाएगा। कुछ बेसिक याद रखना, दो एंगल माने दो ट्रायंगल। आप बोलो पहले किसमें लेना चाहिए? 60 ले रहे हो, तो 60 के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? डीबीसी, ये इसका देखो अर्क, ये रहा इसका अर्क, 60 के लिए ये ट्रायंगल होगा कौन सा? बीडीसी, ठीक है? बहुत से बच्चे तो ट्रायंगल लेने में गलती करते हैं। वो अब देखो अर्क यहाँ से शुरू, यहाँ शुरू, यहाँ खत्म, पर ये लाइन हो गया कुछ ऐसे में, ठीक है? तो बी डी और सी तो अलग से बना सकते हो, जहां पर कंफ्यूज हो रहा है वहां से अलग से बना दो, ठीक है? जब सीधा हो तो अलग बात है। कितना 50 और ये वाई, क्या मिल जाएगा? साफ दिख रहा है वाई मिल जाएगा, ऐसा नाइन हमारा बन ही रहे हैं पर ऑलरेडी, ठीक है? 50 रूट 3, तो परपेंडिकुलर और बेस तो टेन ही होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी और बी, पी और बी है ना, कितना 10 60 पी अपॉन बी वैल्यू रूट थ्री वैल्यू होती है इसकी। अब पी कितना है? पी जो है 50 हो गया। अब बेस कितना है? बेस वाई है, ऐसे वाई निकाल दो, तो वाई कितना आ गया 50 अपॉन रूट थ्री मीटर। अब देखो इसको इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बोला कि नीचे रूट में छोड़ते नहीं है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर हमें छोड़ना रूट में अपॉन में, बस मारे ना ऊपर चलेगा पर अपॉन में रूट नहीं चलेगा। किसमें? फाइनल आंसर में, मतलब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हमारा फाइनल आंसर। चलिए हमने 60 ले लिया, 60 ले लिया, अब कौन सा बचता है? 30। तो बोलो 30 का ट्रायंगल होगा ये देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है ना, इन ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर है आपका ये कुछ ऐसे ए बी और सी, ये कितना होगा? एक्स होगा और ये वाई हो जाएगा। इसीलिए वाई माना हमने, ताकि जब मैं एक्स निकालूंगा ना, जब वो लोगों दोनों आगे तुम्हारे आ गया ना, ये 30 हो तुम्हारे यहाँ पर 90, ठीक है? तो कितना 10 30 वही होगा, पी और बी ऊपर देख लो, 10 30 कितना पी अपॉन बी वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक है? अब पी कितना है? एक्स। अब बी कितना है? वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई रूट कितना? एक्स रूट थ्री है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं वाई नहीं निकालता तो क्वेश्चन क्या होता? हमारा क्वेश्चन बीच में ही टंग जाता होता, इसलिए वाई निकाला, इसलिए वाई माना। अब वाई की वैल्यू ये है, ये है ना, रखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई की जगह पर इसकी वैल्यू 50 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिवाइड कितना हो जाएगा 50 अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ना, तो एक्स कितना आ गया वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ तो मतलब इससे करेगा मल्टीप्लाई, कितना होगा 3 × 3 कितना बचेगा 2 16.66 चलता रहेगा, ठीक है? तो 16.66 मीटर हो गया। तो हाइट निकली इसकी 16.66, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.66। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? बेस दे रखा है परपेंडिकुलर निकालना। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, है ना? तो मैंने क्या बोला, बिना पढ़े ग्राउंड बना लो, ये बन गई ग्राउंड आपका। अभी ग्राउंड चाहे पानी के लिए बोले, चाहे वाटर लेवल बोले, चाहे सड़क बोले, चाहे नहर बोले, चाहे कुछ भी बोले, बनेगा प्लेन ही। इसका एक सबसे बेसिक पार्ट है बस, ठीक है? अच्छा अब पढ़ते हैं इसको। आपसे कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट्स ईच अदर ऑन आइदर आइदर साइड ऑफ द रोड, ओके। तो क्या लिख दिया, ये रोड हो गई, अब क्या हो गई, रोड हो गई, ठीक है? तो उसने दो पोल है इक्वल हाइट के,
दोनों पोल जो है रोड के दोनों कोनों पे हैं, ठीक अपोजिट, ऊपर देखो जरा, दोनों पोल जो है रोड के दोनों साइड पे हैं, ठीक अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है। तो मैं एक पोल को यहां बनाता हूं, जैसे आपने देखा बिजली के पोल ना, और वही मान लो एक पोल, एक पोल ये रहा, ठीक है कुछ ऐसे, और एक पोल ये रहा, और दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है, ठीक बेटा। दूसरा पोल ये रहा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। आगे आपसे बोला क्वेश्चन में कि विच इज 80 मीटर वाइड, क्या ये चौड़ाई, ये रोड के लिए बोल रहा है, जो रोड है ना बेटा वो इससे और यहां तक कितनी है, 80 मीटर, रोड 80 मीटर चौड़ी है कुछ ऐसे में, ठीक है। अच्छा आगे देखिए फिर, यहां से कह रहा है ये कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ऊपर देखो जरा, आपसे कह रहा है कि दोनों पोल्स के बीच में कहीं एक पॉइंट है जमीन पे, यहां नहीं, दोनों पोल के बीच पे कहीं एक पॉइंट है, बीच में, बच्चे इसका मतलब समझते हैं कि ठीक बीच में, नहीं, ठीक है। और उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप्स को देखने पर एंगल कितना बनता है, 30 एंड 60। अब देखो इसी से लगाओ आइडिया, 30 वाला दूर हो, अब अगर वो पॉइंट ठीक बीच में होता तो एंगल क्या होते, सेम होते, सेम क्यों होते, क्योंकि जो है हाइट सेम है भाई। अगर पोल की हाइट छोटी बड़ी होती तब मैं बोलता कि हाँ वो बीच में हो सकता है, एंगल सेम ना हो तब बीच में हो सकता है, अगर हाइट छोटी बड़ी होती पोल्स की, लेकिन पोल्स की हाइट सेम है और बच्चे उसके बाद भी ये सोचते हैं क्या कि ठीक बीच में आएगा, नहीं, क्योंकि एंगल सेम नहीं है ना। तो एक काम करो, पॉइंट कुछ यहां मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले पोल के नजदीक मान लेते हैं 60, तो कितना बनाएगा, ये बनाएगा 60, क्यों, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एंगल बढ़ता है, कोई भी पॉइंट किसी ऊंची चीज के सामने है तो एंगल बड़ा होगा उसका अपने आप ही। अब ये पॉइंट इससे दूर है तो कितना मानते हैं इसको, ये कितना होगा आपका, ये 60 होगा, सॉरी 30 होगा ये आपका, ठीक है। तो क्या मांग रहा है हमसे, वो मांग रहा है कि फाइंड द हाइट, अच्छा तो बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ओके, हमें तो ये निकालना है। इसे मान लेते हैं सपोज पोल की हाइट मान लेते हैं, सपोज करो क्या एच मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी एच ही होगा, है। और वो आपसे क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट की, सपोज पॉइंट सी है, इस पॉइंट की दोनों पोल से क्या डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट इस पोल से किस दूरी पर है और इस पोल से किस दूरी पर, एक एक्स ले लो, एक को 80 मान लो, हाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट सी है ना बेटे, वो इन दोनों पोल से किस दूरी पर है, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं, कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, अरे भाई जब ये पूरा 80 है, 80 में से ये हिस्सा x, तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स, मिस मारा, हाँ समझ आ गया ना। एक लेते एग्जांपल, जैसे 80 है पूरा, 80 में से ये 10, तो कितना, 70, कैसे क्या आपने 80 माइनस 10, तो वही तो हो रहा है यार, x और कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा, तो बात खत्म। और ये ग्राउंड से 90 बना ही रहा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमको पोल की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की उस दोनों पोल से, तो जो माना है पहले उसे लिख लेते हैं, अगर हम उसको 80 माइनस एक्स की जगह वाई लेते तो आता ही नहीं आंसर, नहीं तो तब भी आ जाता, तो कैसा आंसर तब भी आता, लेकिन तब आपको बाद में वाई की जगह पर 80 माइनस एक्स करना ही पड़ता, हाँ मतलब वो तो चलो, हाँ वो बाद में करना पड़ता आपको, ठीक है, लेकिन आंसर आता था, लेट ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू एच मीटर, समझ आ गया ना, ए बी और डी दोनों कितने हैं, दोनों एच मीटर हो गए, ठीक है। AC कितना मान लिया, x मीटर, देन तो CE कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, ओके। अब फिर से वही इजी क्वेश्चन है, दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल, सब अब सेपरेट बन रहे हैं पूरे, किस पे लेना चाह रहे हो, बोलो 60 वैसे ले दो, किस भी लो 60 बोला आपने तो वही लेंगे, इन ट्रायंगल 60 के लिए कौन कौन ये ट्रायंगल होगा, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू x रूट 3,
इंट्रैंगल एबीसी। हाँ तो रफ में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रैंगल एबीसी ये 60 हो गया, ये एंगल 90, तो कौन सा होगा बताओ? ये एक्स है और ये एच है। हमें एक्स भी नहीं पता, हमें एच भी नहीं पता, पर करो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना डायग्राम बन जाएगा, तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, डायग्राम कितने भी आड़ा फिर से बने, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न एक ही है। खत्म, ट्रैंगल उठाओ रखो वैल्यू के ऊपर। अच्छा तो पी और बी टेन ही होगा, 1060 एक्स इज इक्वल टू एच रूट 1060 इक्वल टू कितना, पी अपॉन बी वैल्यू √3 वैल्यू। अब पी कितना है, एच, और बी कितना है, एक्स है। कैसे या सा इसको कैसे कर देते हैं। अब यहाँ पर आप चाहो तो 3 को रूट में भेज सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे एक्स भी निकालना है, मुझे एच भी निकालना है, तो छोड़ दो इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा इतना हो गया, अब बचता है आपका 30 वाला, तो उसको कौन ट्रायंगल होगा, DCE इंट्रैंगल DCE, ठीक है। ये कितना होगा आपका 80 माइनस एक्स, ये कितना होगा आपका 30, और ये एच, तो वही परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, 10 ही होगा, 10 30 कितना, पी अपॉन बी वैल्यू अपॉन 1/√3, और ये एच अपॉन 80 माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला 80 माइनस एक्स, आप क्रॉस कर दो उसे, ठीक है, तो 80 माइनस एक्स करेगा 1 से तो वही आएगा, है ना, और ये करेगा इससे कितना आएगा, एच √3। अब देखो बेटे एच की जगह उसके, हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए करा वो। अब देखो हमें एक्स भी निकालना है, तो एच की जगह पे कितना, एक्स √3, तो ये तो आपका √3 हो गया, और एच की वैल्यू कितनी है, एक्स √3 कुछ ऐसे, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 3x हो गया, है ना, 2x। अब इस एक्स में आप भेज दो तो कितना आ जाएगा, 4x, इधर भेज दो ना कितना आ जाएगा, 80 इक्वल टू 3x माइनस प्लस का x, या माइनस कर रहा हूँ प्लस करेगा, ठीक है, तो कितना आ गया, 4x इक्वल टू 80, यानी कि x इक्वल टू 80 बाय 4, यानी कि x इक्वल कितना, 20 मीटर, यानी कि x क्या था, 20, x ये डिस्टेंस थी, यानी कि इस पॉइंट की इस पोल से क्या दूरी है, 20, तो इसे कितनी होगी फिर, 60 होगी, 60 है ना, सिंपल सा, और h इज इक्वल टू, हां अब आ जाएगा 60√3, हां साफ दिख रहा है, ठीक है ना, तो देखो x मतलब BAC, x मतलब AC, बाहर निकाल देंगे उसको, ठीक है, तो हमारा AC कितना आ गया, 20, निकाल ले क्या उसको उधर इक्वेशन मानो, और हो गया इतना, 2 मिनट, अब क्या निकालना है, CE निकालना है, ठीक है बेटा, क्या निकालना है, ये दिखाता है, जबकि यहाँ पर एक नई चीज हो रही है, ठीक है ना, CE कितना होगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 कितना आ गया, 60 मीटर CE। अब हाइट निकालनी है, तो एक्स इक्वल टू 20 इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, हमें एच मिल जाएगा, ठीक है, दोनों एक्स इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो उसमें, तो एच इक्वल टू एक्स √3 है, तो एक्स की जगह पर कितना, 20, तो 20 √3, ठीक है मीटर। तो अब फाइनल स्टेटमेंट क्या, पहले दिखा दो हाइट, हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी फ्रॉम ए इज 20 मीटर, ओके, और इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी फ्रॉम ई इज 60 मीटर, ये था, करिए इसको, अगर नहीं खुल जाता
देखो क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए, आपसे इसमें कह रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, तो क्वेश्चन बिना पढ़े ये बन गया ग्राउंड, और इस समय ग्राउंड क्या है तुम्हारा, एक कैनल है माने नहर, इस समय ये एक नहर है, ठीक है, ये रहा। अब वो कह रहा है कि इससे बैंक माने, एक तो जरा नॉट जमा करते हैं, किनारा, ये किनारा मतलब इसका किनारा बैंक, तो इसके इस किनारे पर, वैसे आपको डायग्राम दे रखा है पर हम पढ़ के बनाएंगे इसको, ठीक है, इसके किनारे पर एक आपका क्या है सपोज टीवी टावर है, ऐसा ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे इसको हम, कुछ एक आपका टीवी टावर है कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे मान लो क्या टीवी टावर टेंट लगा नहर के इस कोने पे वहां टीवी टावर हो गया। आगे बोला आपसे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब ठीक इसके अपोजिट एक पॉइंट ये है, समझ रहे, इस नहर के ठीक अपोजिट एक पॉइंट तुम्हारा ये रहा, और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, बेटा इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, और क्या बना एंगल 60 डिग्री, ये ना 30, ये बना 60 डिग्री, ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, इसको हम मार्क कर लेते हैं, सपोज ए बी और ये सी, तो गौर करना होगा, देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब चेक करना इसको, हाँ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रही है, इस पॉइंट की बात कर रहा है कि इस पॉइंट से दूर दूर ऐसे ही हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बात समझ रहे, क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं होगा दूर ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही हो सकता है, अभी फिक्स नहीं हुआ, एंगल 30 है तब, हां अभी फिक्स नहीं हुआ, आगे पढ़ो, 30 मीटर सॉरी 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन जॉइनिंग दिस द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से, अब वो कह रहा है कि 30 डिग्री तो ऐसा होगा नहीं, अब कुछ ऐसे भी होगा है ना, इस पॉइंट से 30 मीटर दूर 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, सपोज करो कि पॉइंट डी है ना, और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखने पर 30 जो एंगल बन रहा कितना बन रहा है 30 वो बन रहा है 30 डिग्री का, और ये कितना आपका 20 ये 20 मीटर है कुछ ऐसे, ठीक है, तो आपसे कह रहा है ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, हमको एक तो टावर की हाइट निकालनी है और चौड़ाई निकालनी है, एक काम करते हैं इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x और इसकी हाइट मान लेते हैं h कुछ ऐसे, ठीक है, तो जो माना से लिख लेते हैं, लेट bc कितना h मीटर है ना, ab कितना x मीटर, h मीटर मान लिया, और da कितना है, da है हमारा 20 मीटर, डी कितना है 20 मीटर, अब फिर से वही दो एंगल दो ट्रायंगल किस में लेना चाह रहे हैं, 60 वाले में, इन ट्रायंगल 60 का ये ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पी अपॉन बी होगा, रूट थ्री टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री होता है, अब पी कितना है एच है, ये कितना है एक्स, यहाँ से ऐसे कर दो उसे एच इक्वल टू एक्स रूट थ्री मीटर, हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब कौन सा 30 इन ट्रायंगल सी डी बी डी सी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी बी, तो डी सी बी कितना है 30 होगा और 10 ही आएगा, 10 ये परपेंडिकुलर है पूरा बेस तुम्हारा, तो कितना 10 30 10 30 डिग्री कितना P अपॉन B कितना 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू, अब P कितना है H और B कितना है 20 प्लस X पूरा आएगा ना ये 20 और ये प्लस X क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 प्लस X इक्वल टू H रूट 3 आ गया, अब हमें X भी निकालना है, तो एक काम करो ना यहाँ से H की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, एक्स रूट थ्री तो ये रहा आपका
अब h की वैल्यू कितना x रूट थ्री हो गया, 20 प्लस x इक्वल टू कितना 3x, इसे इधर भेज दो, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस का x, तो 20 इक्वल टू 2x, तो 20 अपॉन 2 इक्वल टू x कितना 10, तो यानी कि x कितना आ गया 10, अब इस x को x आ गया आपका 10 रूट थ्री आ गया, यानी कि नहर की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर, अब हम हाइट निकाल लिए, तो x की वैल्यू आ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे, तो h इक्वल टू x रूट थ्री है, x की जगह में रखना आपने 10, तो 10 रूट थ्री मीटर। अब आपका फाइनल स्टेटमेंट हाइट, हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10 रूट थ्री मीटर, क्या बात है, सही तो है ना, यहाँ पर विड्थ ऑफ कैनाल इज कितना 10 मीटर, 10 मीटर ये करिए।